हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बनाना पील फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे जो हमारे पौधों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाते हैं पौधों की ग्रोथ में। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ केले के छिलके लिए हैं और इनमें बहुत ही अच्छी मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन और भी कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ही अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं जो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इनका इस्तेमाल फल वाले पौधों के लिए, फूलों वाले पौधों के लिए, सब्जियों वाले पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जिस भी प्लांट्स में कलियाँ न बन रही हों, फूल नहीं आ रहे हों, अगर उन पौधों पे इनका इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो आज मैं यही आपसे शेयर करूंगी कि इसे किन किन तरीक़ों से हम अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे इनका इस्तेमाल किया जाए कि ये प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ही अच्छी से बढ़ाएं और इनका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो। तो इसके लिए देखिए, मैं पहले इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ले रही हूँ। तो जो भी छिलका आपने लिया हो या लें, उसको पहले इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें। इससे जो भी फर्टिलाइज़र बनाएंगे तो थोड़ा आसानी रहेगी। अब ये देखिए, काटने के बाद इसका इस्तेमाल हम तीन तरीक़ों से कर सकते हैं। इसे आप धूप में डाल दीजिए, 2-3 दिन में ये सूख जाएगा, तो फिर उसका डायरेक्ट उसे मिट्टी में डाल सकते हैं, या फिर सूखने के बाद आप उसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं पौधे में, और इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के भी हम प्लांट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। और लिक्विड फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा और बहुत ही जल्दी मिलता है। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए छिलकों को 2 दिन के लिए पानी में भिगा के रख दीजिए और फिर डाइल्यूट करके उसे पौधों में डाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने कुछ छिलके सुखा लिए हैं धूप में पहले से ही, तो ये सूख गए हैं और मिट्टी में डालने के लिए अभी तैयार हैं। और कुछ छिलकों का मैंने यहाँ पे पाउडर बना लिया है, तो इसे भी हम पौधों में डाल सकते हैं। और ये मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है, 2 दिन पहले ही छिलकों को पानी में भिगा के रख दिया था, तो अब ये रेडी है पौधों में डालने के लिए। लेकिन हमें इसे डायरेक्ट प्लांट्स में नहीं डालना है, अगर डायरेक्ट डालेंगे तो फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है, तो इसे डायरेक्ट नहीं डालना है। जब भी डालें तो इसे डाइल्यूट करके ही डालें। उसके लिए देखिए, मैं एक बकेट ले ले रही हूँ और इसे पहले छान लेंगे। तो पहले किसी लकड़ी के मदद से इसे अच्छी तरह से चला लें। जब भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें तो उसे अच्छी तरह से सेक कर लें, उसके बाद ही इस्तेमाल करें। देखिए, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड बना हुआ है क्योंकि कंटेनर में थोड़ा सा जगह कम हो गया था और मैंने 2 केले के छिलकों को इसमें डाल दिया था। तो इसको डाइल्यूट करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं इसमें 2 गुना पानी डाल रही हूँ। तो आप छिलकों को 1 दिन या 2 दिन के लिए भिगा के रख सकते हैं। सिर्फ अगर 1 दिन के लिए भिगा के रख रहे हैं तो सिर्फ बराबर मात्रा में पानी डालें, और 1 दिन से ज़्यादा भिगा रहे हैं, 2 दिन या 3 दिन के लिए रख रहे हैं, तो उसमें 2 गुना 3 गुना पानी डालें। तो मैं 2 गुना पानी डाल के अब इसे पौधों में इस्तेमाल करूंगी। तो ये फर्टिलाइज़र देखिए अब डालने के लिए बिल्कुल रेडी है। अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसे पौधों में डाल देंगे। आप इसका कलर देख रहे हैं कितना ज़्यादा चेंज हो गया है, तो कलर से ही पता चल रहा है कि फर्टिलाइज़र बिल्कुल रेडी है। डाइल्यूट करने के बाद भी इसका कितना डार्क कलर आया हुआ है। तो मैं अब बता रही हूँ कि आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है। तो बहुत ही आसान है, आप छिलकों को किसी कंटेनर में ले लीजिए, 1 केले के छिलके को या 2, जितना भी हो आपके पास, और उसी हिसाब से पानी डालें। 1 केले का छिलका है तो आधा लीटर, 2 केले का है तो 1 लीटर, इसी हिसाब से पानी डालें। मात्रा को कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं।
इस तरह से किसी कंटेनर में या बकेट में लेके, आप ढक्कन वाला कंटेनर ही हो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, खुला कंटेनर ना लें, और इसे छाएदार जगह पे 2 दिन के लिए रख दें। उसके बाद इसे अच्छे से सेक करके, इसे डाइल्यूट करके पानी में इस्तेमाल करना है। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए, हिबिस्कस का प्लांट है और इसकी मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है, मैंने सुबह ही गुड़ाई कर दी थी। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है कि मिट्टी सूखी होनी चाहिए, गीली मिट्टी में आप कभी भी किसी भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें। मिट्टी की अगर आप गुड़ाई सुबह कर लेते हैं और शाम को फर्टिलाइज़र डालते हैं तो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैंने मिट्टी की गुड़ाई कर ली थी और नमी हल्की हल्की इसमें बनी हुई है, और मैं ये छिलके के पाउडर का इसमें इस्तेमाल करूँगी इस पौधे में। तो ये देखिए, ये 8 इंच का गमला है और इसमें मैं 1 चम्मच भर के हाथ से ही डाल रही हूँ, अंदाज से ले ले रही हूँ, मैंने चम्मच लिया नहीं है। तो 1 चम्मच भर के मैं इसमें डाल रही हूँ। तो आप मात्रा को इसी तरह गमले के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, अगर कम हो जाए ठीक है, बहुत ज़्यादा डालना नहीं है। वैसे तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है तो इसके नुकसान नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा। और ये दूसरे प्लांट की मिट्टी आप देख सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा सूखी हुई है, मुझे आज पानी डालना था। तो जब भी पानी डालना रहे उसी टाइम आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का या कोई भी फर्टिलाइज़र मिला के आप उसके बाद पानी डालें। तो ये देखिए मिट्टी कितनी सूखी हुई है, सुबह मैंने गुड़ाई इसकी भी करी हुई थी। तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं इसमें डाल रही हूँ, और लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप 200 ml के हिसाब से डालें। 8-10 इंच का, 12 इंच का गमला हो तो थोड़ा सा बढ़ा लें, तो गमले के हिसाब से फर्टिलाइज़र बढ़ाएं घटाएं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है कि नीचे से निकलने लगे। और ये दूसरे पौधे में मैं देखिए छिलकों का इस्तेमाल करूँगी, डायरेक्ट कैसे इसे डालना है। तो उसके लिए सबसे पहले मिट्टी की गुड़ाई करके आप मिट्टी एक साइड से हटा लें, निकाल लें, या फिर एक साइड ऐसे करके छिलकों को इसमें डाल दें, ये देखिए इस तरह से। तो ये थोड़ा लेट असर करता है, और पाउडर और लिक्विड वाला थोड़ा जल्दी असर करता है, और ये छिलके डायरेक्ट जो डाले जाते हैं इनका असर थोड़ा ज़्यादा टाइम के बाद होता है। बस मिट्टी से ढक दीजिए और उसके बाद पानी डाल दीजिए। तो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट देता है, आप एक बार इसको इस्तेमाल करके ज़रूर देखें। एक बार के ही इस्तेमाल से आपको इसका असर, इसका फ़र्क महसूस होने लगेगा। बहुत ही आसान भी है, और सबसे अच्छी बात है कि ये बिल्कुल फ्री का है, इसमें 1 रुपये भी आपका खर्च नहीं होना है। इसका इस्तेमाल आप किसी भी फल और फूल वाले पौधों में कर सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर